आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा वाज कैलकुलेटेड 24.1 एट अ लेटर स्टेज वी नोटिस्ड दैट अ वैल्यू 18.2 वाज रॉन्गली रीड एज 12.2। मतलब जो 18.2 था उस प्लेस पे हमने रॉन्गली क्या रीड कर लिया है, 12.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करेक्ट मीन। वैल्यू ऑफ करेक्ट मीन हमें फाइंड करनी है क्या होगी। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्म होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, यहां पर हमें मीन दे रखा है कितना, 24.1। सो मीन के प्लेस पे आ जाएगा 24.1। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है वो हमें कोई पता नहीं है अभी तक, तो यहां पे लिख देंगे हम एज इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, दे रखा है यहाँ पे मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ 30। ओके, इसे सॉल्व करेंगे सो यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड होगा, तो ये आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 24.1 एंड 30 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 30, इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 723। ये जो 723 आया है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, मतलब सम टोटल कितना है 723, ये कितना है, ये क्या है हमारा इनकरेक्ट सम है, इनकरेक्ट सम। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे तो गलत रीड किया है। ओके, सो करेक्ट सम क्या होगा, करेक्ट सम फाइंड करने के लिए क्या, उसके लिए फॉर्म होगा हमारा करेक्ट सम। करेक्ट सम क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म हो जाएगा इनकरेक्ट सम, इनकरेक्ट सम माइनस ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन और प्लस इसमें क्या करेंगे करेक्ट ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स ये जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो हमने ये 12.2 रीड किया है किस प्लेस पे, करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए 18.2। ओके, ये इन प्लेसेस पे रख देंगे हम, तो करेक्ट सम क्या आएगा हमारा यहां से, करेक्ट सम इज इक्वल टू क्या, इनकरेक्ट सम क्या आया है हमारा 723 माइनस क्या करना है इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 12.2, तो लिखते हैं माइनस ऑफ 12.2 एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, तो वो है हमारा 18.2 जिसे हमने ऐड कर दिया। ओके, माइनस करेंगे यहां से तो ये आ जाएगा 710.8 प्लस 18.2, इन दोनों को ऐड करेंगे सो ये आएगा हमारा 729। 729 क्या है, ये है हमारा करेक्ट सम। नाउ हमें फाइंड करना है मीन, सो करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन इज इक्वल टू फॉर्म क्या होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया हमारा 729, तो 729 डिवाइड बाय क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम रहेगा 30, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 30। सो करेक्ट मीन कितना आएगा यहां से, करेक्ट मीन इज इक्वल टू 729 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 24.3। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शंस में से अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24.3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।